नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। मुंबई से चले निसर्ग चक्रवात ने बिहार में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं इस बारिश ने किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सिवान में पिछले 12 घंटे से हो रही बारिश के बाद यहाँ के की जो किसानों द्वारा मक्के की फसल की खेती की गई थी वो काफी हद तक प्रभावित हुई है और लोगों का भी घरों से निकलना दुभर हो गया, क्योंकि रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इसी को लेकर हमारे साथ एक किसान है, इनसे बात करेंगे कि आखिर कौन सी समस्या, किस प्रकार इनकी खेती प्रभावित हुई है। आपने मक्के की खेती की थी? जी थी। क्या हुआ है, कब खेती की थी और बारिश के बाद क्या हालात है उसके? बारिश के बाद खेतों की ऐसी स्थिति हो गई, भारी वृष्टि के कारण बहुत ज्यादा क्षति हो रहा है। मक्की जमने की कोई आशा ही नहीं है। मतलब कितने कट्ठा खेत की आपने खेती की थी? 30 कट्ठा खेत की। कितने का नुकसान लगभग हुआ है आपको? लमसम आपको 25-26 रुपया अभी तत्काल में नुकसान हुआ है। इस तरह तो बहुत सारे किसान आपके गांव में किए होंगे खेती? बहुत से लोग हैं, बहुत से किसान हैं जो भारी वृष्टि के कारण नुकसान उनको पहुंचा है। आने वाले दो दिन तक मौसम अलर्ट है कि 2 दिन तक बारिश की संभावना बनी हुई है और बारिश लगातार जारी रहेगी, जिसके बाद किसानों को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। क्योंकि खेती का जो मक्के की खेती का समय है वो अभी शुरू हुआ था और लोग धुआंधार मक्के की बुआई कर रहे थे, जिसके बाद ये बारिश आई है, उसके बाद ये काफी हद तक इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।